अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इश्तियाक है और ये है कंसोल्ट टेक। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है। मैं आपको आज प्ले स्टेशन 5 की कुछ एक टिप देना चाह रहा हूँ, जिसमें आपको मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि आपको प्ले स्टेशन 5 बड़े एहतियात से इसको आपने चलाना है। असल में PS5 अब मार्केट में तो काफ़ी बिक चुका है, लेकिन एक मसला आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से ना ये सिस्टम आपका ऑन ऑफ के मसले में चला जाता है। तो बहुत एहतियात करें और ताकि आपका सिस्टम आपका ख़राब ना हो। और वीडियो बनाने का काफ़ी सारी वजूहत थी कि आप अगर आप इंटरनेशनल सतह पर देखेंगे तो प्लेस्टेशन 5 में पावर सप्लाई का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी पावर सप्लाई जो है वो इन्होंने इंटरनल रखी है, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाती है और कुछ देर के बाद इसमें मसला आ जाता है। तो मैं आपको इसका सलूशन दूंगा कि आपने बहुत छोटी सी टिप की वजह से आप अपने प्लेस्टेशन 5 को बचा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखें ये एक प्लेस्टेशन 5 मेरे पास आया है। ये भी ऑन ऑफ के मसले में है और इसको जब हम इसके अंदर प्लग करते हैं तो बटन प्रेस करें, कोई बीप की आवाज़ और कोई बजर की आवाज़ नहीं आती, जैसे बिल्कुल शट होने का, ठीक है। और एक प्लेस्टेशन 5 आपको मैं एक और दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी प्लेस्टेशन 5 खुला पड़ा हुआ है और इसकी मैं आपको पावर सप्लाई आज आपको ओपन दिखाता हूँ। एक सेकेंड मैं, जी ये प्लेस्टेशन 5 की पावर ब्रिक है और ये मैं आपको इसको ओपन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्लेस्टेशन 5 के अंदर ये एक आईसी है जो मेरी फिंगर पर लगाई है, छोटा सा माइक्रो है। ये लॉजिक आईसी है, एनालॉग आईसी है जो रीड राइट नहीं होता। इसका नाम है DAP053T, ठीक है। मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ और डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इसका मैं लिंक भेज दूँगा। ये जो आईसी है ये मोस्टली ख़राब हो रहा है और ये ख़राब होता है इसकी वजह से क्या था कि ये आईसी मार्केट में चाइना में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी, इंडिया में, मतलब कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आपका सिस्टम ख़राब हो तो आप भी परेशान हो, जैसे मेरे पास ये दो यूज़र हैं इनका सेम मसला है, तो आप भी अपने वो को बचाएँ। तो हल इसका बड़ा ज़बरदस्त है, सिंपल हल है। आप जब भी प्लेस्टेशन 5 इस्तेमाल करें तो आपने इसको हमेशा, मोस्टली कस्टमर जो है ना इसकी पावर की केबल लगी रहने देते हैं और आप खेलने के बाद इसको ऑटोमेटिक ये आप चले जाते हैं और फिर आप आते हैं बटन प्रेस करते हैं और आप गेम खेल लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने इसके अंदर पावर केबल हमेशा लगा कर नहीं रखनी, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात रखें, जब आपने गेम खेलनी आपने सिर्फ इसकी पावर केबल लगाई और आपने बस इसको खेल लिया, और जब आपने खेल लिया उसके बाद इसकी पावर केबल को दोबारा निकाल दें। इसके ऊपर पावर केबल को परमानेंट नहीं लगा कर रखना आप लोगों ने। तो यही टिप थी, और ताकि आप भी अपने PS5 का नुकसान होने से अपने आप को बचाएँ। ये कॉमन फॉल्ट है और सोनी ने PS5 की सप्लाई बहुत हल्की बनाई है, इसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और इसकी सप्लाई अंदर होने की वजह से अक्सर लोगों को इसका लेंस भी ख़राब हो रहा है। जैसे प्लेस्टेशन 1 के अंदर लेंस मेल्ट हो जाता था, इसी तरह इसके अंदर प्लेस्टेशन 5 में भी हीट की वजह से इसका लेंस भी ख़राब हो रहा है। तो बहरहाल फ्यूचर में ये PS5 का नया डिज़ाइन आ रहा है, तो उम्मीद है कि ये छोटे छोटे जो उनके मसले आ रहे हैं वो हल करेंगे। तो लिहाजा आप अपने PS5 की पावर केबल को लगा कर नहीं रखना, ये मेरी आपको बेहतरीन टिप है ताकि आपका नुकसान ना हो। और मैंने आपको पावर सप्लाई इसकी दिखा दी है और आईसी है DAP053T। आईसी ख़राब हो जाता है तो ये ठीक नहीं होता, तो इसका मैं सलूशन अभी फ़िलहाल निकाल रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी इसका सलूशन भी दूंगा, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के तहत। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।